हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूम मशीनरी में। मैं अजय साहू। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पोकलेन मशीन का माइलेज एवरेज बताऊंगा कि ये मशीन 1 घंटे में कितना डीजल खपत करती है, वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पोकलेन मशीन, जिसे हम लोग एक्सेवेटर भी कहते हैं, ये कोमोत्सु कंपनी की PC130 मॉडल है। PC130 मॉडल है। इस मशीन का माइलेज 6.5 लीटर से 10 लीटर प्रति घंटा के बीच में हो सकता है। मतलब कि ये मशीन 1 घंटे में मिनिमम 6.5 लीटर और मैक्सिमम 10 लीटर तक डीजल की खपत कर सकती है। पैसे में देख ले तो यह मशीन 450 से लेकर 700 रुपये पर आवर में डीजल खपत करेगी। तो ये पूरा डिपेंड करता है वर्किंग लोड पे। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये इस मशीन की लॉग बुक है, जो कि फरवरी 2020 की है। तो इसमें आप देखिएगा, जो वाइट कलर से इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे दो मशीन है, PC130 ओल्ड और PC130 न्यू। और नीचे देखिएगा, जो रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, वो टोटल रनिंग है, मतलब कि पूरे मंथ में कितना आवर चला ये वो है। और जस्ट उसके नीचे देखिएगा तो ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये टोटल डीजल है कि ये मंथ में पूरा कितना डीजल लिया है। और जस्ट सबसे लास्ट में उसके देखिए, येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है माइलेज। तो आप माइलेज इस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल डीजल को टोटल आवर्स से डिवाइड करिएगा तो आपको फाइनली माइलेज मिल जाएगा। तो इस डाटा के अनुसार से आप पहले वाले मशीन का देखिएगा तो 6.8 लीटर पर आवर मिलेगा, और जस्ट दूसरे का देखिएगा तो 8.6 लीटर पर आवर मिलेगा। मतलब ये मशीन 1 घंटे में 6.8 लीटर खाएगी और दूसरे वाला 8.6 लीटर 1 घंटे में खाएगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।